रात अचानक से एस्ट्रो के मेंबर मोबिन की डेथ हो गई। रिपोर्ट्स की बात करें तो मोबिन अपने ही घर में डेथ पाए गए थे। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 19 अप्रैल को जब मोबिन के मैनेजर उनके घर पे पहुंचे आधी रात को यानी कि 8 o'clock को, तब वहां पे उन्हें मोबिन की बॉडी पड़ी हुई मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल करा और जब पुलिस ने मोबिन की बॉडी को देखा तब उन्होंने कहा कि मोबिन ने सुसाइड किए थे। वेल, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उनकी डेथ कैसी हुई, बट अभी उनकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेज दी गई है। तो कुछ टाइम बाद ही यानी कि जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी तब ये कंफर्म पता चलेगा कि उनकी डेथ कैसे हुई है, क्योंकि जो एस्ट्रो के मेंबर मोबिन थे वो दिखने में काफी ज्यादा हेल्दी एंड हैप्पी पर्सन दिखाई देते थे और उनकी एज अभी 25 ईयर ही थी। और ऐसे में अचानक से इस टाइप की न्यूज को सुनने के बाद केपॉप इंडस्ट्री और हर केपॉप के फैंस बहुत ही ज्यादा सैड है, क्योंकि जब से इस न्यूज को केपॉप फैंस ने सुना है वो अपने केपॉप आइडल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में। उन्हें डर है कि कहीं उनके केपॉप आइडल ऐसा कदम ना उठा ले, क्योंकि कई सारे केपॉप आइडल ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुके होते हैं बट वो अपने फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने के बाद ऐसे अजीब से डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद उनके फैमिली फ्रेंड एंड कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए बीटीएस आर्मी चाहती है कि बीटीएस के हर एक मेंबर अपने हर एक प्रॉब्लम को आर्मीज के साथ शेयर करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम उन्हें इतना ज्यादा हर्ट ना करे कि हमें फ्यूचर में इस तरीके की न्यूज को सुनना पड़े। आर्मीज बीटीएस के मेंबर्स को ये विश्वास दिला रही है कि वो अपना हर एक प्रॉब्लम आर्मीज के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि आर्मीज हर एक प्रॉब्लम में बीटीएस के मेंबर का साथ देंगी। वैसे जब ये सैड न्यूज एस्ट्रो के मेंबर को पता चली तब वो अपने सारे काम को छोड़ छाड़ के बहुत जल्द उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस टाइम एस्ट्रो के मेंबर को कैसा लग रहा होगा इस सैड न्यूज को सुनने के बाद। ये सारे तो अंदर से पूरी तरह से टूट ही चुके होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोई पर्सन किसी के साथ इतने सारे टाइम स्पेंड करता है तब उसकी आदत हो जाती है एंड ऐसे में अचानक से जब वो पर्सन आपसे इतना दूर हो जाए कि आप उसे दोबारा देख नहीं पाओगे तब आपको कैसा लगेगा आप सब तो जानते ही हो। एंड आपको तो पता ही है कि बीटीएस के मेंबर एंड एस्ट्रो के मेंबर में कितनी अच्छी दोस्ती है, तो इस सैड न्यूज को सुनने के बाद बीटीएस भी बहुत ही ज्यादा सैड हो गए होंगे। वैसे आप सब मोबिन के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड के लिए, उनके ग्रुप के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए क्या फील कर रहे हो कमेंट में जरूर लिख देना।